जी सर, आगे नदीम कसार जो साहब खाने के बारे में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। ये सर बात करिए, कोई ऐसी जॉब मिल जाए इसकी। हाँ? माँ चो दू। हाँ? सिगरेट दो, दम मारो, फेंको। हाँ? निहारी खा रहा है मुरादाबाद में, कभी नाम रामनगर को जा रहा है, कभी नैनीताल को। कोई काम वाम नहीं, फैन की चूत। बुलेट गार्ड पे 50-60 हजार रूपए पड़े हुए, एक चेक 1-2 लाख का जेब में पड़ा हुआ, और बैग पीछे पड़ा हुआ हेलमेट, और गाड़ी पे लिखा हुआ है आर्मी, गाड़ी पे लिखा हुआ है आर्मी। अरे फौजी की गाड़ी, कोई हाथ मत लगाओ। अच्छा, और आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई ऐश नहीं। फिर आए जरा देर को रामपुर को, रामपुर में तो जरा देर को रुके 1 घंटा, और फिर इधर आदर निकल गए, इधर कभी रामनगर, कभी नैनीताल, कभी कहीं कहीं कहीं, दूसरे तीसरे दिन कहीं और कहीं कहीं, आराम से। और 5-6 जोड़ी कपड़े बैग के अंदर, कभी बम्बई, कभी गोवा, कभी अंग्रेज जो चश्मा लगा के चड्डियाँ पहनती हैं उधर निकल गए कि माँ चो ये दिल चाहता है। कोई काम धाम नहीं, बहन का और बात सुनो, फिर कार से गए तो लंबे, पुणे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आराम से, कोई काम धाम नहीं, पैसे पड़े हुए हैं 50-60 हजार। डायलॉग भी मारते हैं, दिलचारिया बर्फी को तो रोक के बर्फी भी खा रहे हैं सर रास्ते में। डायलॉग और शकरानी की बर्फी भोपड़ी गाँव में नहीं मिलती है, वो नहीं खाएंगे। अच्छी देसी घी के, जो कौन सा होटल था मुरादाबाद में जो शीशो करीम, गुर्जर करीम, उसमें होटल में घुस रहे, बिरयानी आलम बिरयानी खा रहे, और फिर रात को रुक रहे हैं घर पे, फिर सुबह को जा रहे हैं। सर रास्ते में धूप की थाल भी तो खा रहे हैं, लड़ लग रहा। अरे यार सर, लेकिन खर्चा कैसे होगा रास्ते का जो आप कह रहे हैं? खर्चा बहुत।